Hello, welcome to Arbind Singh Academy, and we are here to discuss about the tissue, and we have discussed already lecture number 1 to 4, and today we are going to discuss lecture number 5. So I hope you have already watched lecture number 1 to 4 before watching this part 5. In this first 4 lecture we have discussed about the tissue, the type of tissue, what the tissue are doing, and tissue are what types they are, simple tissue and permanent tissue. In simple tissue we had discussed about already about the type of simple tissue, in which we had discussed about the parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, and their function, their position, their structure, where they find and what are they doing. Now we are before discussing the another type of tissue, that is a complex tissue. We are going to discuss the another variety of tissue depending upon the character. That is called protective tissue. What we have discussed already about the tissue, the permanent tissue, they are called ground tissue because they are helped to keep the plant in the ground straight and rigid. So now we are discussing here today about the protective tissue, and this tissue will help to protect the plants from external environment as well as from external invaders. So how this protective tissue will work and what are they doing, and that we will discuss in this video class. So in plant tissue, the two type of protective tissue we will discuss here. The one is that protective tissue in which we will discuss the epidermis and another corpus cambium. So we will discuss here the protective tissue first, and thereafter we will discuss about the another complex permanent tissue, right? So let me just start with this protective tissue, that is epidermis. आई होप आप सब लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी. पिछले लेक्चर्स में आपने खूब मजे से एंजॉय किया होगा, और उसकी समरी भी हम बाद में एक देंगे, और उसमें कुछ हम कोशिश करेंगे कुछ एनिमेशन के जरिए आपको हर चीज समझाया जाए. लेकिन फिलहाल अभी क्या है कि हम चाहते हैं कि आपको एपिडर्मिस टिश्यू के बारे में बताएं और थोड़ा डिटेल में इसके बारे में जानें. तो आइए जानते हैं कि एपिडर्मिस टिश्यू है क्या, राइट? ओके. सो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट्स, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल इज कॉल्ड एपिडर्मिस. एंड सो एपिडर्मिक टिश्यू इज फाउंड इन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट. मीन्स क्या है कि जो भी प्लांट का एरियल पार्ट यानी जो एयर में रहता है वहां पे एपिडर्मिस पाया जाता है और एपिडर्मिक टिश्यू पाया जाता है. तो एपिडर्मिक टिश्यू जो है वो बाहर में ऐसी जगहों पे, प्लांट का जो बाहर का एरिया है वहां पे एपिडर्मिक टिश्यू पाया जाता है, और सेल के आउटर लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं. तो इसलिए एपिडर्मिस कहते हैं क्योंकि टिश्यू जो उनसे बनेगा वो एपिडर्मिस टिश्यू होगा, एपिडर्मिक टिश्यू होगा. और एपिडर्मिक टिश्यू जो होगा ये एरियल पार्ट में, प्लांट का एरियल पार्ट क्या क्या होता है, जो हवा में है, जो एयर में है, उसमें वो भी हो सकता है, लिप भी हो सकती है, स्टेम भी हो सकती है, फ्रूट भी हो सकता है, फ्लावर भी हो सकता है, यू नो. तो ये जितने भी हवा में रहने वाला एरियल पार्ट है उसके आउटर स्ट्रक्चर पे जो है वो क्या है, वो एपिडर्मिस है. ये सिमिलर लाइक जैसे ह्यूमन बींग में कहें कि हमारा स्किन है, उसी तरह का ये क्या है, पेड़ का स्किन है, ह्यूमन बींग का स्किन है. ये जो क्या है कि बाहर में हमें प्रोटेक्ट करता है, बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है. इसी तरह से ये एपिडर्मिस जो है ये भी बाहर के एटमॉस्फेयर से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. हमारी बॉडी जो एक यंग और एडल्ट बॉडी है किसी ह्यूमन बींग की, उसकी अगर बाहर का स्किन है उसको अगर सारी निकाल करके फैलाया जाए तो लगभग 6 to 7 square meter जगह घेर लेगा. इसी तरह का ये हर जगह, कहाँ है स्किन, कहाँ है बॉडी में हमारी स्किन, कहाँ है, हर जगह है. चाहे कोई भी पार्ट ले लो, कोई भी ऑर्गन ले लो, वहां पे बाहर में स्किन है. और ये स्किन क्या कर रहा है, हमारी बाहर के बैक्टीरिया से, बाहर के एटमोस्फेयर से, बाहर के कोल्ड से, बाहर के हीट से सबसे सरवाइव कर रहा है हमें, है नहीं? तो इसी तरह से प्लांट के जो स्किन है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस. और ये क्या करता है, प्लांट को बाहर के जितने भी इन्वेजन है, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या प्लांट का और भी कोई बाहर से जो दिक्कतें आ सकती है, उन सबको बचाता है. यानी एपिडर्मिक टिश्यू फाउंड इन एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट. एरियल पार्ट से आप मतलब आप समझ गए होंगे कि एरियल पार्ट का मतलब वो पार्ट है जो कि पूरा का पूरा हवा में रहता है, एयर में रहता है. तो ये बात हम चाहें तो लिख सकते हैं कि ये एरियल पार्ट ऑफ प्लांट में रहता है.
और इसके बाहर क्या होता है, जरा थोड़ी सी बात बता दूं, उसके बाद हम आते हैं वापस इस चीज पे। ये बाहर में जो है वो रहता है, और रहने के साथ इसके जो लेयर्स है वो बाहर में वो एक वैक्सी टाइप का रहता है। ये वैक्सी टाइप है, जैसे हम लिख की बात करें तो लिख में क्या है, एक वैक्सी टाइप का ऊपर में रहता है, चिकनापन रहता है, जिसे आप देख रहे हैं कि वाटर ड्रॉप उस पर पड़ता है और उसी तरह से राउंड शेप में रहता है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता क्योंकि ऊपर से एक ऐसी लेयर होती है जो कि पूरी की पूरी क्या होती है, वैक्स टाइप का एक लेयर बना हुआ होता है, और उस वैक्स टाइप के लेयर बने होने की वजह से वाटर उसके अंदर नहीं जाता, उसी बाहर पानी ड्रॉप उसी पे पड़ा रहता है या उधर फिसल के नीचे चला जाता है। तो ये क्या है कि ये बाहर से एक तो वाटर का एक्सेस वाटर अंदर नहीं आने देता, और दूसरा क्या है कि अंदर से बहुत ज्यादा एक्सेस वाटर बाहर भी नहीं जाने देता। अब सवाल है कि बाहर से नहीं अंदर आने का, तो मैकेनिज्म आपको पता चल गया कि भाई बाहर से अंदर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ऊपर से वैक्स टाइप का कोई केमिकल है जिसको हम क्यूटीन कहते हैं, उस केमिकल को क्या कहते हैं, सब्सटेंस को कहते हैं क्यूटीन, और उस पूरी पोर्शन को कहते हैं क्यूटिकल, क्यूटिकल लेयर। तो क्यूटिकल लेयर होता है, और उस क्यूटिकल लेयर होने की वजह से जो है वो अंदर से बाहर, बाहर से अंदर वाटर ऑब्जर्व नहीं हो पाता। लेकिन अब सवाल है कि अंदर से बाहर कैसे नहीं जाता, क्या उसी वैक्स की वजह से नहीं जाता? हाँ, वैक्स तो है ही, साथ के साथ एक बड़ा ही बेहतरीन तरह का एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, पोर होता है, जिसको कहते हैं एस्टोमेटा, और उस पोर से को गार्ड करने के लिए दो किडनी सेल्स होते हैं। जो किडनी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, गार्ड क्या करता है, आपके घर में गार्ड है, आपके घर के नीचे गार्ड है, सोसाइटी के नीचे गार्ड है, क्या करता है, गेट खोलता है, गेट बंद करता है, किसी को अंदर आने देता है या अंदर नहीं आने देता है। वैसे ही किडनी सेल्स जो है गार्ड सेल्स कहा जाता है, ये क्या करता है, ये उसको गार्ड करता है कि या तो जो किडनी सेल्स जो है एस्टोमेटा का दरवाजा खोलेगा, और एस्टोमेटा का दरवाजा जब खोलेगा तो क्या होगा कि वाटर लॉस होगा, ट्रांसपेरेशन प्रोसेस होगी, लीफ के जरिए वाटर जो होगा वो एवोपरेट होगा, और वाटर एवोपरेट होगा तो लीफ जो होता है वो थोड़ा सा चमक उसकी कम हो जाती है, डाउन फ्लो हो जाता है। जैसे आप 2-4 दिन किसी पौधे में पानी न डालें तो आप देखेंगे कि ऐसा होता है कि उसकी क्या होता है, ऐसा होता है कि उसकी जो लीफ है उसमें से चमक उसमें से कम हो जाती है। तो इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो एस्टोमेटा है वो जब दरवाजा खुलेगा, जो किडनी सेल्स हैं वो जो जब ओपन होंगी तो वाटर लॉस होगा, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होगी, और जब वो क्लोज हो जाएगा तब वाटर लॉस नहीं होगा, और तब जो होगा वो क्या होगा कि अंदर से वाटर बाहर जाएगा नहीं। तो ये चीज जो है वो एस्टोमेटा के जरिए होता है, और लीफ से जो ट्रांसपिरेशन हो सकती है वो नहीं होगा। इसी तरह से बाकी पोर्शन में भी जो है वो वाटर जो एपिडर्मिस है वो बाहरी प्रोटेक्शन करता रहता है, एक्सटर्नल प्रोटेक्शन करता है, और वो जो है वो वाटर लॉस नहीं होने देता। इसके अलावा क्या कर सकता है ये, तो इसके अलावा ये एपिडर्मिस जो है वो बाहर के जितने भी बैक्टीरिया या फंजाई हैं जो प्लांट को अटैक कर सकते हैं, जो पत्तियों पे लग सकते हैं, उनसे बचाता है। तो ये सारी जो गार्डनिंग होती है, जो प्रोटेक्टिव रोल है, इसी की वजह से इसको हम प्रोटेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है ना। तो आइए अब इसको डिटेल में समझते हैं कि प्रोटेक्टिव टिश्यू है क्या। हम बात कर रहे हैं टिश्यू की, और ये लेक्चर नंबर है। तो ये जो है ये एपिडर्मिस का लेक्चर नंबर हम बात कर रहे हैं, लेक्चर नंबर दिस इज 5। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टिश्यू, एंड ये टॉपिक है प्रोटेक्टिव टिश्यू। वी आर डिस्कसिंग एंड दिस इज द टॉपिक इज एपिडर्मिस, एपिडर्मिक टिश्यू, राइट। एपिडर्मिक टिश्यू की हम बात कर रहे हैं पहला इसमें, और दूसरा हम बात करेंगे कॉर्क की, कॉर्क का नियम होता है उसकी बात करेंगे। तो एपिडर्मिक टिश्यू की बात कर रहे हैं, ये जो दो आप देख रहे हैं ये एपिडर्मिस है, और ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, यानी एपिडर्मिस को अगर ऐसे हम वर्टिकली कट करें तो टिश्यू में ऐसा दिखेगा, ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और ये जो है ये है ट्रांसवर्स सेक्शन,
ट्रांसवर्स एक्सन, राइट। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर पहले क्या है कि ये जो है ये एक गार्ड सेल्स है, एक किडनी सेल्स है, ये ओपनिंग है, यहाँ पे जो ऐसा ये दिख रहा है ये ओपनिंग है, ये जो है ये स्टोमेटा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इसके किनारे जो दो चीजें दिख रही है, ये जो किनारे जो दिख रहे हैं ये जो है ये क्या है, ये दोनों किडनी सेल्स हैं जो कि इसको गार्ड करते हैं, गार्ड करते हैं। ये जो बीच में एक पोर दिख रहा है इसको हम कहते हैं एस्टोमेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं एस्टोमेटा, और ये जो दो किनारे किडनी जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है इसको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। ये जब ओपन होता है और क्लोज होता है तो गैस की और वाटर की एक्सचेंज होती है, लेकिन उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि ये आखिरी एपिडर्मिक टिश्यू है क्या। तो देखिए एपिडर्मिक के बारे में हम लिख रहे हैं, एपिडर्मिक, एपिडर्मिस क्या है, द आउटर लेयर ऑफ सेल, द आउटर लेयर ऑफ सेल इज कॉल्ड एपिडर्मिस, कॉल्ड एपिडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस, राइट। एन एपिडर्मिक टिश्यू, एपिडर्मिक टिश्यू, एज वी नो द टिश्यू इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, एपिडर्मिक टिश्यू इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, इज ए ग्रुपिंग ऑफ, इज ए ग्रुपिंग ऑफ एपिडर्मिक्स, ग्रुपिंग ऑफ एपिडर्मिस, डर्मिस, व्हिच इज फाउंड इन आउटर लेयर ऑफ, आउटर लेयर ऑफ प्लांट्स, व्हाट टाइप प्लांट्स, ऑल एरियल प्लांट्स, एरियल प्लांट्स, प्लांट्स आउटर लेयर ऑफ एरियल प्लांट्स, एरियल, एरियल प्लांट्स, एरियल प्लांट्स का क्या मतलब है हमारा कि जो एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, सॉरी एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, इसका मतलब है कि चारों तरफ होता है। अब सवाल है कि ये होता क्या है, ये हमने कह दिया कि ये वहां पे आउटर लेयर होता है और पूरी तरह से ये बाहर में जो भी हिस्सा है, जो भी लेयर है वहां पे होता है। तो इस लेयर में एक थिक सेल वॉल होती, एक थिन सेल वॉल होती है, ये कह सकते हैं कि थिक सेल वॉल होती है, जो कि उस थिक सेल वॉल में एक स्पेसिफिक मटेरियल होता है जिससे उसका आउटर लेयर जो होता है वो थिक हो जाता है। थिक की जरूरत क्यों पड़ती है, ये सिंगल लेयर भी हो सकता है और मल्टीपल लेयर भी हो सकता है, थिक इसलिए कि वाटर लॉस को बचाना है, और वाटर लॉस को बचाने के लिए ये जरूरी है। ऐसा अगर मैं कहूं कि ये एपिडर्मिस की बात करें तो ये कुछ इस तरह का अगर सेल हो ये, और फिर मैं ये कर लूं कि ऐसा हो जाए ये और ऐसा, इस तरह का, और इसके ऊपर जो है वो एक थिक लेयर होती है, एक कोटिंग होती है जो कि आउटर कोटिंग होती है, ये एक बड़ी सी मोटी सी लेयर होती है, जिस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, क्यूटीन कहते हैं, इसके थिक सेल वॉल होती है, और इस थिक सेल वॉल को हम, इस सब्सटेंस को कहते हैं क्यूटिकल, क्यूटिकल, ये पूरी जो चीज बचती है सब्सटेंस को कहते हैं क्यूटीन और इस लेयर को कहते हैं क्यूटिकल। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है एपिडर्मिस में ये एक थिक लेयर होती है और इसमें इंटरसेलुलर नहीं होता, द वॉल इज डिपोजिटेड बाई द सेल वॉल, सेल वॉल इज डिपोजिटेड बाई, डिपोजिटेड बाई अ सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटिन, क्यूटिन, राइट ना, क्यूटिन, एंड दिस इज कॉल्ड क्यूटिकल, द लेयर इज कॉल्ड क्यूटिकल, सो द थिक लेयर इज कॉल्ड थिक लेयर, थिक आउटर लेयर, आउटर लेयर इज कॉल्ड क्यूटिकल, क्यूटिकल, आउटर लेयर इज कॉल्ड क्यूटिकल। आई होप यू गॉट इट।
आउटर लेयर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। अब इसमें जो होता है ये सेल कैसा होता है, तो दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, दे आर कॉम्पैक्टली कॉम्पैक्टली दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज कॉम्पैक्टली अरेंज कॉम्पैक्टली अरेंज का मतलब क्या है, क्योंकि देन देयर इज सो देयर इज नो इंटरसेल्युलर स्पेस, सो देयर इज नो इंटरसेल्युलर स्पेस, इंटरसेल्युलर स्पेस, इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है क्योंकि ये कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, राइट। तो ये कॉम्पैक्टली अरेंज होने की वजह से इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है, और ये पैरेन्काइमेटिक सेल से बने होते हैं, पैरेन्काइमेटिक टिश्यू या सेल कह सकते हैं, पैरेन्काइमेटिक सेल से बने होते हैं, ये टिश्यू सेल से बने होते हैं, इट इज मेड ऑफ पैरेन्काइमेटिक सेल, राइट। सो पैरेन्काइमेटिक सेल से ये बना होता है, और ये लेयर ऐसा होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है, इट प्रोटेक्ट्स द आउटर पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये इसे प्रोटेक्ट करता है। अब इसमें क्या है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या क्या होगा, जैसे बाहर में वाटर है, एक्सेस वाटर है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, इस सब से इसे प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें जो होता है ये सिंगल लेयर होता है, यूजुअली एपिडर्मिक टिश्यू इज सिंगल लेयर, बट इट कैन हैव मल्टीपल लेयर एज वेल, एपिडर्मिक टिश्यू इज जनरली सिंगल लेयर टिश्यू बट इट कैन हैव मल्टीपल लेयर। कैसे, इस मल्टीपल लेयर भी होता है कई सारे प्लांट में, इट कैन हैव मल्टीपल लेयर। हाउ इज दैट, जीरोफाइटिक प्लांट जो होती है, जैसे कि आप डेजर्ट में जाएंगे, रेगिस्तान में जाएंगे, तो वहां पे जीरोफाइटिक प्लांट होती है, जीरोफाइटिक प्लांट क्या होती है, ये अगर मैं कहूं कि जीरोफाइटिक प्लांट जो होता है वो, यानी जो वाटर लॉस को जीरो वाटर लॉस को एफर्ट कर सकता है, ये वाटर लॉस को एफर्ट कर ही नहीं सकता। जीरोफाइटिक प्लांट्स इन डेजर्ट्स जो होता है उसमें क्या होता है कि जीरोफाइटिक प्लांट जो होता है इन डेजर्ट जो होता है उसमें वाटर लॉस नहीं होनी चाहिए। तो इसमें मल्टीपल लेयर होता है, लाइक कैक्टस जो होता है, इसमें क्या है कि इसमें मल्टीपल लेयर ऑफ एपिडर्मिक टिश्यू, ठीक है, मल्टीपल लेयर्स होती हैं, जो आउटर लेयर होता है उसकी मल्टीपल लेयर होती है, क्योंकि वाटर लॉस से इसको इसे प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो चीज है, एपिडर्मिक टिश्यू के मल्टीपल लेयर होती है, इस एपिडर्मिक टिश्यू में सेल वॉल में, किसमें होती है, सेल वॉल में, मल्टीपल लेयर ऑफ इन सेल वॉल ऑफ दिस। तो जीरोफाइटिक प्लांट जो होता है, ये जीरोफाइटिक प्लांट इसको कहते हैं कि इसमें वाटर लॉस लगभग ना के बराबर होता है, क्योंकि डेजर्ट एरिया में वाटर मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो प्लांट अपने आप को इस तरह से बनाता है, उसकी सेल वॉल ऐसी होती है कि उसमें जो होता है वाटर लॉस बिल्कुल ना के बराबर हो, और वाटर लॉस उसमें ना हो। मोस्ट ऑफ द एपिडर्मिकल सेल इज
relatively flat. Most of epidermical cell are relatively flat but some has thicker sidewall, you know, some has thicker sidewall. ये होता है, कुछ के sidewall जो होते हैं वो thicker होते हैं. तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो epidermis है वो किस तरह का होता है. और इसमें एक होता है जो एपर्चर होती है, there is an aperture called stomata. There is an aperture type aperture of slit called stomata, which is guarded by two kidney cells which when close it protect transpiration that is loss of water. Loss of water due to what? Due to evaporation. Loss of water due to evaporation. And when it open, it allow to exchange gases. अभी गैस कहाँ से आ गया भाई? Exchange gases. And what type of gases they allow to exchange? Carbon dioxide. आपने पढ़ा होगा कि plant जो होते हैं mostly वो carbon dioxide gas जो होते हैं वो release करते हैं. तो ये carbon dioxide gas कहाँ से आता है? जब उसमें अब बनता है तो carbon dioxide gas epidermic cell of the roots which is epidermic cell of the roots which main function is absorption of water has a hair like structure. So epidermic cell of the roots whose main function is absorption of water has long hair like structure which absorbs which increases the surface area which increases the surface area surface of absorption right. So ये जो होता है ये और आपको किडनी सेल्स के बारे में बता रहा था कि गैस जो है ये कहाँ से आता है. तो आपको पता ही है कि जैसे कि फोटोसिंथेसिस होती है तो ये रूट से क्या करते हैं कि रूट से वाटर लेते हैं और रूट से वाटर लेकर के और ये फोटोसिंथेसिस होती है ड्यू टू क्लोरोफिल. तो ये सारा का सारा काम पत्तियों के ऊपर ही होता है. तो वहां से चूंकि फोटोसिंथेसिस होती है तो कार्बोहाइड्रेट्स बनता है और कार्बोहाइड्रेट्स जो फूड है प्लांट का उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो रिलीज होता है स्टोमेटा के जरिए. स्टोमेटा अगर है तो उसके जरिए ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो रिलीज होती है. जब वो ओपन होता है उसकी गार्डनिंग सेल उसको दरवाजा खोलते हैं
तो उससे होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, और जब दरवाजा बंद कर देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी अंदर ही रहता है और वाटर लॉस भी अंदर नहीं हो पाता। और वाटर लॉस थोड़ी बहुत जो होती है वो किसकी वजह से होती है, जब गैस का एक्सचेंजेज होता है, जब दरवाजा खुलता है तो थोड़ी वाटर लॉस होती है, और वो वाटर लॉस जो होती रहती है वो कहाँ से कंपनसेट होता है, ये जो एपिडर्मिस रूट में है ये वाले क्या करते हैं कि ये नीचे से पानी सोख करके, नीचे से वाटर एब्जॉर्ब करके और ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं नीचे से, इस तरह से ये पूरा का पूरा जो है वो साइकिल चलता रहता है। तो जो गार्डिंग सेल की बात कर रहे थे, ये गार्डिंग सेल कुछ इस तरह का ही है कि ये जैसे मान लीजिए कि मैं ये कहूं कि ये एक स्ट्रक्चर है, ये जो है जिसकी हम बात करते हैं सिलिंड्रिकल, इसको पोर कहते हैं, ये स्टोमेटा है, और इसके बाहर ये किडनी लाइक एक स्ट्रक्चर है, इस तरह का ये जो किडनी लाइक स्ट्रक्चर है ये जो ओपन होता है, दीज आर कॉल्ड किडनी सेल्स, किडनी सेल्स, ठीक है। और ये जो होता है, ये जो ओपन होता है तो इससे जो होता है वो एक्सचेंज होती है, इसको खुलता है तो इसके जरिए जो होता है CO2 बाहर रिलीज होता है या वाटर ट्रांसपिरेशन होता है। और अगर ये टू किडनी सेल्स नहीं होते तो ये जो होता है टू किडनी सेल्स ये जो है ये इस तो ये ट्रांसपिरेशन नहीं होता। और जो हमने कहा कि जो डेजर्ट होता है वहां पे वाटर लॉस रोकने के लिए जो वाल होती है वो ज्यादा थिकर होती है, और ज्यादा थिकर होने की वजह से वाटर लॉस वहां नहीं होता और इसको पूरी तरह से गार्डनिंग करता रहता है। तो ये था एक आउटर सेल जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है, और ये प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या करता है, ये पूरी तरह से प्लांट को ओवरऑल चारों तरफ से, प्लांट का स्किन है जो चारों तरफ से इसको घेरे हुए है और घेर करके, और ये क्या करता है पूरी तरह से उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये था एपिडर्मिक टिश्यू के बारे में। अब एक अगला चीज हम पढ़ेंगे वो है कॉर्क। कॉर्क क्या है? कॉर्क ये होता है कि आप जब देखेंगे कि जो बहुत सारे प्लांट हैं जो ओल्ड हो जाते हैं उनमें मोस्ट ऑफ द टिश्यू आर डेड टिश्यू, एंड डेड टिश्यू जो होता है वो आउटर पेरिफेरल में होता है, बाहर में होता है, उसकी पूरी डायमेट्रिकली में वो टिश्यू जो होता है वो बाहर में होता है, और उस जो डेड टिश्यू होता है उसको हम, उससे कॉर्क बनता है। और कॉर्क जो होता है वो बड़ा ही ये इंसुलेटर की तरह होता है, यानी इसमें फायर भी जल्दी से नहीं पकड़ता और ये टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी होता है, टेम्परेचर को भी जल्दी से अलाउ नहीं करता अंदर आने के लिए, इसलिए ये भी एक प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है। और इस प्रोटेक्टिव टिश्यू जो कॉर्क होता है इसका इस्तेमाल कमर्शियल भी होता है, लेमिनेटेड सीट्स बनाने में इस्तेमाल होता है, और जो बहुत बहुत महंगी जो दारू की बोतल आती है उसकी, शराब की जो बोतल आती है उसका ढक्कन भी जो होता है वो कॉर्क से बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि वो जो है ट्रांस जो हमने कहा कि हीट रेजिस्टेंस होता है, अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देता, बाहर की हीट को अंदर नहीं जाने देता, इसलिए वो लेस इफेक्टेड होता है। और बचपन में अगर आपने होम्योपैथिक दवाई खाई होगी, वैद्य ने आपको दिया होगा छोटी छोटी शीशियां, तो उसके अंदर भी ऊपर से जो लगी होती है वो कॉर्क लगी होती है, और कॉर्क से बंद किया हुआ होता है, उसको खोल करके उसमें से गोलियां निकाली और फिर उसके बाद बंद कर दी। अब तो हालांकि जर्मन मेडिसिन आ रही है तो सब में कैप होता है, लेकिन पहले ये होता था, हम तो बच्चे थे तो हमने ऐसा देखा है, और उस तरह की होम्योपैथिक मेडिसिन मिलती थी। तो कॉर्क के बड़े सारे इस्तेमाल है, और जो बेस्ट कॉर्क होता है वो ओक नाम का एक ट्री होता है, उसका होता है, ओक का होता है। तो ये जो होता है ओक का वो बड़ा महंगा होता है और बहुत बढ़िया होता है, क्वालिटी उसकी अच्छी होती है। बाकी भी कॉर्क होते हैं, और उस कॉर्क से जो होता है वो भी बाहर से प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, हालांकि इसमें से मोस्टली जो होता है वो डेड टिश्यू होता है। कॉर्क जो है प्योरली डेड टिश्यू होता है, जो बहुत टाइटली पैक्ड रहता है, इसके अंदर कोई इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होता है। और ये सारी बातें आप समझ गए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप ये सब बात भी लिख पाएंगे। सो ए स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम विल रिप्लेस द ए स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम रिप्लेस द एपिडर्मिक टिश्यू डर्मिक सेल्स, ठीक है, फ्रॉम आउटर लेयर एंड इट प्रोटेक्ट्स
protects the inner part of the tissue. So these are called cork. This is a bark of tree. It is a bark of tree. Bark of tree. It forms several layer of thick cork. Several layer of thick cell called cork. Called cork. Right? Cork. This is called cork. So cork is basically another type of protective tissue. We are discussing tissue, and this is used. What is the cork? You have seen this here, and this is a protective tissue. Protective tissue. This is the lecture number 5. Protective tissue. So these are what? Cork. Cork cells are there, several layers, and these several layers are here cork cells. Several layers are there, outer layers, and they replace the meristem, epidermic tissue, epidermic cells, and now they are working as a protective tissue. So that is why cork is also called protective tissue. What are usage of this cork? That we had already discussed, that there is a oak. Oak is a tree, OAK, whose cork is costly and it is very useful. It is used in, what is this? Made in laminated seats to me, and cover of and cap of bottles, wine bottles or any kind of bottles, cap of bottles. It is what? It is a basically resistance of insulated of heat, and it is insulated from heat and insulated from heat and temperature, heat and fire. You say fire. ऐसा नहीं कि आग नहीं पकड़ता, बहुत बहुत मुश्किल से पकड़ता है. Fire, right? That is why it is a very compact. It is a compact cells. No intercellular space. देख रहे हैं ना कितना ये घना घना है. So no intercellular space. No intercellular space is there, right? Na, very compact होता है. तो इस तरीके से ये जो है वो ये भी एक protective tissue है, और इसको अगर हम कहें तो ये जो है वो guard cells है. Stomata, जो ये है stomata है, ये जब open होगा तो ये थोड़ा सा फैल जाएगा. Inner जो wall होती है, वो layer होती है, वो epidermis का ये थोड़ा कम thick रहता है, और बाहर का थोड़ा ज्यादा ठीक रहता है. कंपैरेटिवली ये गार्डन किडनी सेल्स हैं, जो खुलने के बाद, ओपन होने के बाद ऐसा हो जाता है, क्लोज होगा तो ये सिकुड़ जाता है, और ये पूरा पैक हो जाता है. तो ये जो पोर है वो बाहर दिखाई नहीं देता, और पोर बाहर नहीं दिखाई देने से क्या होता है कि यहाँ पे पोर जो बंद रहता है, तो इससे कोई एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होती, और कोई इससे ये नहीं होता. ठीक है, तो आप देख चुके कि इन सब चीजों में क्या है कि हमने इन सारी चीजों को डिस्कस किया यहाँ पे, और आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है हमारा एपिडर्मिस से किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, ये टिश्यू किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, और ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप. सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग द अनदर वीडियो. ऑन द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन कॉम्प्लेक्स टिश्यू, and we will discuss on it. Thank you very much. God.